गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर मनीष आज आपको कंप्यूटर पढ़ाने जा रहा हूँ। कंप्यूटर क्लास 7 चैप्टर 2। और मैं यहाँ से शुरुआत करने जा रहा हूँ। सभी बच्चे मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। द डेस्कटॉप कंटेंस वेरियस एलिमेंट्स। जो डेस्कटॉप है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स कंटेन होते हैं। एलिमेंट्स जैसे कि आपके आइकन्स हो गए, फाइल्स हो गए, फोल्डर्स हो गए, टैक्स बार हो गया, वॉलपेपर हो गया। आइकन्स जैसे कि माई कंप्यूटर आइकन हो गया, फाइल्स जो भी फाइल्स आप क्रिएट करते हैं वो आपका फाइल्स हो गया। फोल्डर्स जैसे आप न्यू फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं। टैक्स बार जो कि नीचे होता है, जैसे यहाँ पे जो है ऐसे ये लंबा सा लाइन होता है नीचे में। और वॉलपेपर आप जानते हैं, वॉलपेपर इमेज को कहते हैं जो आप बैकग्राउंड के तौर पर इसका यूज़ कर सकते हैं। लेटेस्ट फर्स्ट नो अबाउट सम कॉमनली यूज आइकन्स। चलिए आप कुछ कॉमनली यूज आइकन्स के बारे में समझते हैं कि ये है क्या। एंड लेटर वी विल डिस्कस हाउ टू क्रिएट एंड मैनेज फाइल्स। और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे फाइल को मैनेज करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं और फोल्डर्स को कंप्यूटर में। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है आइकन्स के बारे में। आइकन्स को समझिए, आइकन्स क्या होते हैं, व्हाट आर आइकन्स। द स्मॉल पिक्चर्स अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। जो आपका डेस्कटॉप स्क्रीन है, जैसे ये स्मॉल पिक्चर्स हैं, हम इसको आइकन्स कहते हैं। दे आर द शॉर्टकट्स ऑफ सम एप्लीकेशंस। ये क्या होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं सम एप्लीकेशंस के। फॉलोइंग आर द कॉमनली यूज्ड आइकन्स। अब नीचे जो आइकन्स आपको बताए जा रहे हैं, ज़्यादातर इन आइकन्स का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का आइकन जो है ये क्या करता है, आप इसको समझिए। कंप्यूटर आइकन अलाउज़ द यूज़र टू एक्सप्लोर द कंटेंट्स ऑफ द कंप्यूटर ड्राइव्स। कंप्यूटर के ड्राइव्स में यानी कि हार्ड डिस्क में जो भी फाइल सेव होते हैं हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। डैट मीन्स हम उसको ओपन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उसके बाद जो है एडिट भी कर सकते हैं, न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ हम कर सकते हैं। व्हेन यू डबल क्लिक द कंप्यूटर आइकन, अगर इस आइकन पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे, द फॉलोइंग विंडो अपीयर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। तो ये विंडो जो है आपका मॉनिटर स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा, ऐसा आप कंप्यूटर में करके देख सकते हैं। द स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब यह इस स्क्रीन में जो है ना कुछ एलिमेंट्स, जैसे ये सभी क्या है, एलिमेंट्स है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स, हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ अ पीस ऑफ हार्डवेयर। डिस्क ड्राइव क्या है, ये सभी आपका डिस्क ड्राइव है, ये आपका डिस्क ड्राइव है, ये हार्डवेयर का एक पीस है, एक टुकड़ा है कंप्यूटर में, जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इसकी स्पेस इतनी है और इसमें से इतना डेटा जो है स्टोर किया जा चुका है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव्स। ड्राइव्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे सी ड्राइव जो कि यहाँ पर बताया गया है, उसके बाद जो है लोकल डिस्क डी ड्राइव और ई ड्राइव जो कि इस कंप्यूटर में आपको बताया जाएगा। ये आपका स्क्रीन हो गया माई कंप्यूटर का, जब आप ओपन करेंगे तो सी हियर ये ड्राइव है और ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, कंप्यूटर ड्राइव्स विंडो। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है, डिवाइसेस विद रिमूवेबल स्टोरेज। अब वैसे डिवाइस जो रिमूवेबल स्टोरेज है, द डीवीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव हो गया, जैसे कि ये आपका डीवीडी ड्राइव है, देखिए यहाँ पर डीवीडी का पिक्चर भी है, ये आपका डीवीडी ड्राइव है। इज़ यूज्ड फॉर शोइंग वेदर अ डीवीडी इज़ इंसर्टेड। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है, ये बताता है कि इसमें डीवीडी इंसर्ट है या नहीं है कंप्यूटर में। तो आप कंप्यूटर में अगर डीवीडी को आप स्टोर करना चाहते हैं, डैट मीन्स उसमें इंसर्ट कीजिए और उसके डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली डीवीडी में मैरिज सेरेमनी बर्थडे का वीडियो रिकॉर्डिंग होता है जो कई सारे लोग देखते हैं डीवीडी में। रिसाइकल बिन क्या होता है, रिसाइकल बिन को समझिए। रिसाइकल बिन इज़ लाइक अ डस्टबिन। रिसाइकल बिन बिल्कुल डस्टबिन की तरह होता है, जो हम अपने घर के कचरों को जो है ना डस्टबिन में डालते हैं, तो कंप्यूटर में जो डस्टबिन होता है रिसाइकल बिन होता है, जो कंप्यूटर के अननेसेसरी फाइल्स है वो रिसाइकल बिन में जाता है जब आप इसको डिलीट करते हैं बाई डिफ़ॉल्ट। यानी कि पहले से यह तय होता है कि जो भी फाइल को आप डिलीट करेंगे, फोल्डर्स को डिलीट करेंगे, वो रिसाइकल बिन में टेम्प्ररी बेसिस पे चला जाता है, आप इसको रिकवर वहाँ से कर सकते हैं। पेज नंबर 19 हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 20। तो पेज नंबर 20 में क्या है इसको समझिए, ये है आपका रिसाइकल बिन का आइकन। बट इफ़ यू डिलीट द फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम रिसाइकल बिन, आप तो रिसाइकल बिन से अगर फाइल्स एंड फोल्डर्स को डिलीट कर देंगे तब आप इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने मेन फाइल को डिलीट किया तो रिसाइकल बिन में चला गया। अगर आप रिसाइकल बिन से डिलीट कर देंगे तो डैट मीन्स ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, फिर इसको आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। ये है आपका डॉक्यूमेंट आइकन। डॉक्यूमेंट आइकन में जो भी टेक्स्ट आप टाइप करते हैं वो होता है। दिस इज़ अ डिफॉल्ट फोल्डर, या डिफॉल्ट फोल्डर है फाइल्स को स्टोर करने का, क्रिएटेड बाय द यूज़र ऑन द कंप्यूटर, जो कि यूज़र क्रिएट करते हैं। यूज़र मीन्स हम लोग जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं।
इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है इसको समझिए। यह है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ वेब ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है। इसका यूज़ आप इंटरनेट को सर्विस को एक्सेस करने के लिए कर सकते हैं। इसकी मदद से आप बहुत सारे वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। डैट मीन्स इंटरनेट को आप यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब देखिए फाइल्स अलग चीज़ है और फोल्डर्स अलग चीज़ है, इसको समझिए। इन अ कंप्यूटर ऑल इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन फाइल्स। कंप्यूटर में सारे इन्फॉर्मेशन फाइल्स में स्टोर होते हैं और फोल्डर्स में स्टोर होते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट फाइल्स एंड फोल्डर। चलिए सीखते हैं कि फाइल्स एंड फोल्डर को कैसे क्रिएट किया जाता है। फाइल, सबसे पहले फाइल को समझिए। फाइल कंटेंस अ पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन। फाइल में जो है इन्फॉर्मेशन का एक हिस्सा शामिल होता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन होता है स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर में हम लोग स्टोर करते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फाइल्स। बहुत प्रकार के फाइल्स है, जैसे कि टेक्स्ट हो गए, टेक्स्ट फाइल्स हो गए जिसमें लिखा हुआ चीज़ होता है नंबर्स में या फिर अल्फ़ाबेट्स में। ऑडियो फाइल्स हो गया, रिकॉर्डेड हो सकता है या कोई सॉन्ग्स हो सकता है। इमेज फाइल्स, आपका कैप्चर किया हुआ इमेज, फैमिली इमेज या इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ इमेज एक्सेट्रा, वीडियो वगैरह, ये सब भी फाइल में आएंगे। अब फाइल हैज़ अ फाइल नेम एंड एन एक्सटेंशन। फाइल में जो है फाइल नेम होता है और एक्सटेंशन होता है। जैसे कि एक्सटेंशन ये .txt है, इससे समझ में ये आता है कि यह टेक्स्ट फाइल है। तो ऐसे ही इमेज फाइल होगा तो .jpg होगा, वीडियो फाइल होगा तो .mp4 होगा। तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। अ फाइल हैज़ अ फाइल नेम एज एंड एन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल डिस्क्राइब्स द एप्लीकेशन इन विच द फाइल कैन बी ओपन। एक्सटेंशन ऑफ फाइल जो है एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करता है कि किस एप्लीकेशन में इसको खोला जाएगा। जैसे मीडिया प्लेयर ऑडियो को बजा सकता है, वीडियो को दिखा सकता है, वैसे ही दूसरे फाइल जो है वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से खोले जाएंगे। जैसे आपका लिखा हुआ फाइल एमएस वर्ड खोल सकता है, नोटपैड खोल सकता है, वर्डपैड खोल सकता है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए। इट इज़ अ फाइल दैट कैन बी ओपन यूजिंग नोटपैड एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने बताया कि नोटपैड एप्लीकेशन से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट है, इसको भी समझ लीजिए कि ये क्या है। प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट कीज़। अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट कीज़ का यूज़ करते हैं फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट करने के लिए, तो कंप्यूटर से परमानेंटली जो है यह डिलीट हो जाएगा बिना रिसाइकल बिन में गए। अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज़ करते हैं तो परमानेंटली फाइल डिलीट हो जाएगा या रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यह रिसाइकल बिन में जाए कि बाद में कभी काम भी आ सके, तो आप केवल डिलीट ऑप्शन का यूज़ करेंगे सेलेक्ट करने के बाद, तो वो यह रिसाइकल बिन में जाएगा। नाउ आप इसको समझिए। क्रिएटिंग अ फाइल। क्रिएटिंग अ फाइल मीन्स फाइल को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये आपका नोटपैड खुला हुआ है ना, ये वर्डपैड है, सॉरी ये वर्डपैड खुला हुआ है। वर्डपैड में आप कुछ लिख कर फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। टू क्रिएट अ फाइल इन वर्डपैड। वर्डपैड में फाइल को क्रिएट करने के लिए ये स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। क्लिक स्टार्ट, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, जो कि यहाँ पर होता है बिल्कुल लेफ्ट साइड में होता है। ऑल प्रोग्राम्स एसेसरीज और वर्डपैड। टाइप द टेक्स्ट इन द वर्डपैड विंडो। आप ये वर्डपैड विंडो खुल जाएगा, इसमें आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये आपका फिगर, इस फिगर को समझिए। 2.7 टाइपिंग टेक्स्ट इन अ वर्डपैड विंडो। टेक्स्ट को आप टाइप कर सकते हैं वर्डपैड विंडो में। चलिए ये पेज भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज, जो कि 21 पेज है परहैप्स। यस चल, उसके बाद हमें क्या करना है, वर्डपैड बटन पे क्लिक करना है। वर्डपैड बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है आपका अपीयर हो जाएगा, ये वाला लिस्ट। और इसमें जो है आप सेव पे क्लिक करेंगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इंटर द फाइल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स। ये आपका फाइल नेम है, इसमें आप फाइल नेम भी डाल सकते हैं, जैसे आपका बर्थडे इन्विटेशन या मैरिज सेरेमनी कार्ड आप किसी को सेंड कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट को मैसेज कर रहे हैं, तो उस चीज़ से आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव एज डायलॉग बॉक्स ये आपका अपीयर हो गया, फाइल नंबर में है। सेव बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये आपका जो है सो सेव हो जाएगा। अ फाइल विल बी क्रिएटेड ऑन द कंप्यूटर। एक फाइल जो है कंप्यूटर में क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है फोल्डर के बारे में। हमने फाइल के बारे में पढ़ लिया, अब फोल्डर के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका फोल्डर आइकन है, आप इसको देखकर समझ सकते हैं। अब फोल्डर कैन होल्ड अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स। फोल्डर में जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हो सकते हैं या उसका कलेक्शन हो सकता है। आप जैसे स्टोर करना चाहे आप ऐसे स्टोर कर सकते हैं। एज वेल एज इट कैन कंटेन अदर फोल्डर्स। और इसमें अदर फोल्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे इस फोल्डर के अंदर भी फोल्डर हो सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए फोल्डर किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे कि ये आपका जो फोल्डर है आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, अगर आपको न्यू फोल्डर को क्रिएट करना है तो फॉलो द गिवन स्टेप्स। कुछ स्टेप्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसको फॉलो करके
क्रिएट कर सकते हैं। राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे आप राइट क्लिक करेंगे, जैसे ही हमारे कंप्यूटर का आइकन सपोज कीजिए है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक, जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो एक शॉर्टकट अपीयर्स है, यानी कि शॉर्टकट जो अपीयर्स हो जाएगा, न्यू पे जाएंगे और इस फोल्डर ऑप्शन को चुनेंगे तो शॉर्टकट अपीयर्स हो जाएगा। सब मेन्यू जो है इसका, ये सब मेन्यू हो गया, ये मेन्यू हो गया, मेन्यू के अंदर जो मेन्यू खुलता है उसको सब मेन्यू करते हैं। तो इसमें फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक द फोल्डर ऑप्शन और न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड। ये देखिए न्यू फोल्डर जो है ये क्रिएट हो जाएगा और आप इसमें नेम भी टाइप कर सकते हैं और आप इसको कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पर सेव करके रख सकते हैं, जहाँ भी आप सेव करना चाहें कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ फोल्डर, फोल्डर को कैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पर ये इमेज बताया गया है। पेज नंबर 21 भी मैंने आपको समझा दिया और नेक्स्ट पेज के लिए जो है फिर नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा और इसको अपलोड कर दिया जाएगा, देन आफ्टर यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट आई विल मेक द वीडियोज़ एंड वीडियोज़ विल बी अपलोडेड वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।